कोरिया जिले के उप पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह पर कार्यवाही का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना चर्चा के तहत प्रार्थी सोनई सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक निजी कंपनी द्वारा लकी ड्रॉ लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई है। वहीं जब यह मामला पुलिस को पता चला तब पुलिस अधीक्षक कोरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर इस मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी उड़ीसा राज्य का है, जिसके तहत पुलिस ने उड़ीसा राज्य जाकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उन्हें कोरिया लाने में सफल हुई, जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। की घटना है जहां प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि जीवा हर्बल हेल्थ केयर ने लकीरा लगने से द्वितीय पुरस्कार के रूप में गाड़ी मिलने की झांसे का शिकार होने की शिकायत थाना चर्चा में किया, जिस पर धारा 420 IPCM 66 ग आईटी एक्ट के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान देखा गया कि प्रार्थी को लकी ड्रा में गाड़ी मिलने की फोन कॉल आया, जिसमें उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए 5500 रुपये और बीमा के लिए 12000 रुपये और ऑल इंडिया परमिट के लिए 25500 रुपये, कुल 43000 रुपये उससे आरोपियों के द्वारा ठगी किया गया।